से ए एंड एन दी ए एन दी। अच्छा जी, ये नॉन से पहले यूज होंगे या नॉन के बाद यूज होंगे या कहां पर यूज होंगे? नाउन से पहले नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए तो यूज होता है, जैसे द आई एम। दीस आर यूज्ड टू शो द यूजुअली ये नॉन से बिफोर द नॉन, ठीक है? यस सर। अच्छा, कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जिसको मैं एडजेक्टिव भी कह सकता हूँ, वो कौन से हैं? हाँ जी, ए एंड एन कैन बी ट्रीटेड एज एडजेक्टिव, दीज आर द बेसिकली एडजेक्टिव बट वी यूज देम एज अ आर्टिकल्स। ओके sir, if I'm not wrong, then we would say like sun is a star, so it there we would say like it's getting a numerical adjective or such kind of adjective. Quantifier. Yeah, quantifiers obviously. Acha, aage hum chalte hain, hum isko classify karte hain types mein. Number one type, definite आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं? जिसके बारे में पता हो कि लगना कहां पर है, वो किस चीज के लिए यूज हो। सर दी इज द डेफिनेट आर्टिकल। या द इज द डेफिनेट आर्टिकल, एंड ये कहां लगेगा? बिफोर the superlative degrees are plural rule, ठीक है? Then indefinite article क्या है? A and N। अच्छा, ये हमारी एमपीटी की क्लास है, इसको मैं एमपीटी वाली जो क्लासेस में है वो ग्रामर का मैं पूरा कंसेप्ट खोल के बताता हूँ, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता करेक्शन के रूल्स क्या हैं, ये क्या चीज है, तो फिर उसको मैं लगाते वक्त वो सर को जाते। राइट सर। देन इनडेफिनेट आर्टिकल क्या है? जिनके A बारे में हम N. थोड़ा सा हमें पता ना हो कि वो किस लिहाज से यूज किया जाए, इसमें लिमिट्स क्या है। ए और एन तो हमें पता कि इनडेफिनेट आर्टिकल है। Yeah. अब ये लगेंगे कहां पर? सर जहां पे अलीफ की आवाज आती है ना, तो वहां पे हम एन यूज करते हैं, लेकिन देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। लेकिन मैं बताता हूँ, ए विल बी यूज बिफोर सिंगुलर या नॉन इन द बिगिनिंग। यस सर। विद, अभी जो अलेफ वाले आर बोल रहे थे ना, कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं जल्दी से एक बच्चा मुझे बता दे, कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं? एक्सेप्ट ए आई ओ यू। जो वॉवल का साउंड नहीं दे जिस वर्ड में, उसको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, ठीक है? वहां पर ए लगेगा। अब एन का यूज होगा बिफोर सिंगुलर नाउन, ये भी बिगिनिंग में होगा, बच्चे स्क्रीन तो शेयर है, स्क्रीन नजर नहीं आ रही क्या? आप दोबारा ज्वाइन करें, नजर आ रही है ना स्क्रीन बच्चे? यस सर, नजर आ रही है। With vowel sound, ठीक है? Vowel कौन से हैं? Repeat करें मुझे, बताएं। A E I O U। Sometimes Y is also treated as vowel and W as well. Now there comes another concept, consonant and non-consonant.
हाँ जी, कौन नॉन कौन से होते हैं, ये इसी में इसी से कंसेप्ट को रेफर करो इसलिए पूछ रहा हूँ। आर दिस काउंटेबल अनकाउंटेबल? व्हिच आर काउंटेबल, इधर इट इज अ सिंगुलर या आर प्लूरल, डजंट मैटर बट इट कैन बी काउंटेड। या अर्थ क्या है कि ये काउंट किए जा सके। ऑब्वियसली देन नॉन काउंटेबल क्या है? ऑलवेज प्लूरल्स एंड कांट बी काउंटेड। These are always singular, not plural. Oh my lord. Not counted and always singular. कुछ पल्ले पड़ रहा है? Yes sir. पल्ले पड़ रहा है? अच्छा सर, ये लिक्विड में भी होता है ना? मतलब अभी मैं countable, non countable, non नहीं पढ़ाने बैठा, अभी मैं आर्टिकल बताने बैठा हूँ। थोड़ी सी एक दफा ये नीचे कीजिएगा, वो ऊपर से चीज मिस हो गई है, स्क्रीन थोड़ी नीचे कीजिएगा। अच्छा जी, ये मेरा पेन का गया। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, लास्ट में सर थोड़ा आप सर टाइम देना सर, ये हम सर इसको लिखेंगे सर बुक पे। अबे क्यों नहीं लिख रहे? अच्छा चलो अभी समझो, देख पा दूंगा। समझ रहे हैं ना सर, इसलिए सर लिखेंगे तो सर समझ नहीं पा। अच्छा, रहेंगे काउंट नॉन काउंट में रूल नंबर वन है। रूल नंबर वन क्या कहता है सर? सच नाउंस ऑन व्हिच एनी ऑफ ह्यूमन सेंस कैन बी अप्लाइड। यहां पर Specified identity not non, ये अपने साथ ऐसे ही बना लेना, ये मिटा दूंगा मैं। जहां पर identity का कोई पता ना हो, बात समझ आ रही है? सही है, क्या लिख रहा आपने? Specify identity not non। जी सर, ये इसका रूल नंबर वन है। रूल नंबर वन है, उसके साथ हम क्या लगाएंगे काउंट में, जहां पे वो काउंटेबल नॉन होगा उसके साथ लगाएंगे ए और एन, और नॉन काउंट में कोई आर्टिकल इसके साथ नहीं लगेगा जहां पे आइडेंटिटी अननोन होगा। ठीक है, रूल नंबर वन समझ आइए? जी सर। मिटा दूं आगे चलूं? रूल नंबर टू क्या कहता है? यहाँ पर मैं रूल लिखता हूँ, specify identity as non। अब आपके पास क्या है, identity का आपको पता है, ठीक है, वहां पर क्या लगेगा? the, non count और count दोनों में the लगेगा। ठीक है, आ रही है बात समझ? इसकी मैं examples आगे देता हूं फिर समझ आएगा। जहां पर आइडेंटिटी का पता नहीं होगा वहां पर ए और एन लगेंगे, नॉन काउंट में कुछ नहीं लगेगा। रूल नंबर थ्री की तरफ आए, पहले रूल में आपने क्या बात की कि वहां पे जहां पर आइडेंटिटी नहीं पता होगा ना आपको, पहचान ना रही हो, तो आप वहां पर ए और एन लगाएंगे काउंटेबल के साथ। ओके सर, और नॉन काउंटेबल के साथ फिर क्या लगाएंगे सर? कुछ नहीं लगेगा आर्टिकल वहां पर। ओके सर, और एक मिसाल भी देते जाए ना सर, फिर समझ आएगा। समझाता हूँ ना, अभी रूल तो समझ लो। ऐसा हुआ है कि कभी कोई अनक्लियर चीज छोड़ दूं मैं? नो नो सर, थैंक यू। रूल नंबर थ्री है, ऑल थिंग्स और जनरल
थिंग्स विल हैव नो आर्टिकल. ठीक है, तीन रूल पढ़े हैं, अभी इसको हम डिफाइन करेंगे मजीद. थर्ड वाला रूल में आपने क्या लिखा, ऑल थिंग्स आर है, ऑल थिंग्स आर जनरल थिंग्स, नो आर्टिकल. सर आपकी आवाज कट जाती है. अब हम एग्जांपल्स देने लगा हूं, मिटा दूं? नहीं सर, एक मिनट. थर्ड वाला रूल रिपीट कीजिएगा. थर्ड वाला है ऑल थिंग्स आर थिंग्स इन जनरल हैव नो आर्टिकल. अच्छा आप एग्जांपल दे रहे, एग्जांपल की तरफ आए रूल नंबर वन की. एग्जांपल की तरफ आ रहा हूँ, रूल नंबर वन अभी मैं लिख भी रहा हूँ, पहले आपको रूल लिखवाए हैं. रूल वन, रूल वन क्या कहता था? जिन चीजों को हमने स्पेसिफाई कर नहीं करना होता उनके साथ हम आर एन आर्टिकल यूज करते हैं. पता नहीं है आप लोगों को, ठीक है. अब उसके सिंगुलर मतलब काउंटेबल के साथ क्या लगेगा, ए और एन लगेगा. यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले. अब मैं कह देता हूं आई थिंक अच्छा अब एक बात मुझे ये बताएं, ये यहाँ पर दो चीजों का कंसेप्ट आ रहा है, एक तो वॉवल साउंड आ रहा है और एक क्या आ रहा है. मैंने वॉवल साउंड का क्या बताया था? हाँ जी, वॉवल साउंड के साथ क्या लगेगा? एन एफ सिंगुलर नाउन. अब ये पता चल गया कि वॉवल साउंड है, यहाँ पर एन आ गया ना, एनिमल, तो उसके साथ मैं क्या लगाऊंगा, एल लगेगा, ए नहीं लग सकता. पहला कंसेप्ट. दूसरा कंसेप्ट क्या है कि आइडेंटिटी इज, बोलो ना, नॉट नाउन. कौन सा जानवर, ये तो नहीं पता ना अभी कौन सा जानवर है. अभी इतना पता कि जानवर है. यस सर. सर समझ रहे हैं सर, इसीलिए सर कंफ्यूजन हो रही है. अभी इतना पता है एक जानवर. सर मैं कहते था आई थिंक लेट्स से एलिफेंट, सॉरी लायन या कुछ भी है उसको कर दे, तो फिर उसके साथ कुछ नहीं यूज करता. अगेन मैं एक और सेंटेंस लिखता हूँ, वी आर लुकिंग फॉर डैश अपार्टमेंट. अब क्या आएगा? एन अपार्टमेंट. एन आएगा. या समझ आ रहा है आप कंसेप्ट आना समझ आ गया शुरू? यस जी सर. अब क्या लगेगा? कॉन्सोनेंट साउंड. इज अ गुड बॉय. इज अ गुड बॉय. अब रूल नंबर टू की तरफ आ जाए. रूल नंबर टू क्या कहता था? यस, रूल नंबर टू क्या कहता था? जहां पर आइडेंटिटी पता हो. स्पेसिफाई आइडेंटिटी नोन के साथ क्या लगेगा? द, अगर वो प्लूरल हो या सिंगुलर, दोनों पे, मतलब ये काउंटेबल हो या नॉन काउंटेबल हो. अभी मैं लिख देता हूं आई एट एन एप्पल.
dash apple was so juicy. हाँ जी, अभी मैंने पहले उसकी वो बताई है कौन सा एप्पल खाया है, अब मैं उस एप्पल के, अब पहले मैंने उसके एप्पल का जिक्र किया, अब उसकी आइडेंटिटी आप लोगों को तारीफ चल रही है सर उसकी सर। हाँ जी, इसको मैं यूं कर देता हूँ, दा सॉरी सर दा ही आएगा, दा एप्पल वाज सो जूसी, मैंने जो सेब खाया, मैंने एक सेब खाया, वो सेब क्या था, वो जूसी था, था डिलीशियस था, जो भी क्या लो व्हाटएवर आप लोग। अच्छा दे एप्पल वाज सो जूसी, सर तारीफ चल रही है एप्पल की अब तो। व्हाई सिटिंग नेक्स्ट टू मी, दो आई एक मिनट, अब the boys तरफ इंडिकेशन हो रही है, किसी की आइडेंटिटी की पहचान हो चुकी है, किस किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, पता है आपको आइडेंटिटी की पहचान है ना, अपने बराबर वाले की बात हो रही है। बिल्कुल सर, सर माइक नॉइज है सर, पता नहीं किसकी माइक हो रही है जी। अच्छा, अब दा का एक और यूज है, जब आपको पता हो कि वो चीज कोई पर्सन और चीज समथिंग समवन और समथिंग इज यूनिक, जैसा कि अगर मैं लिखता हूं अब क्या आएगा इसके साथ, द थ्योरी ऑफ आइडेंटिटी, और क्या थे हम के साथ लगा सकता हूं मैं, नहीं सर शायद सम द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान प्रॉपर नाउन है। शोर आ रहा है किसके माइक का, सर पता नहीं ये सर किसकी माइक का सर नॉइज है सर, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, सॉरी। म्यूट रखें, जब बोल रहा हूं तो फिर बोला करें, फिर मजा नहीं आता, मेरे भी सर में दर्द होता है। आई थिंक सर ये मीना की माइक का नॉइज है। रूल नंबर 3 क्या कहता था, मैं म्यूट हूं, ऑल थिंग्स आर थिंग्स इन जनरल, जहां पर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, चाहे वो काउंटेबल हो या नॉन काउंटेबल हो। हाँ जी, अब मैं लिखता हूं ट्रीज आर ब्यूटीफुल इन द फॉल, इज इट राइट, is it right sentence, yeah it's right, yes sir, sir pata nahi agar wrong ho to right start pata nahi aayega, main to aap logo se pooch raha hu sir, in the fall galat lag raha yes sir, yes to सर सेंटेंस आई थिंक सर ये गलत है, ऑल द ट्रीज आर ग्रीन, आइडेंटिटी वहां पे पता थी आपको, कुछ पता था जनरल चीज के बारे में, अब मैंने दा लगाया तो सही है, अब आएगा ना, ऑल सेकंड वाला ठीक आर ब्यूटीफुल इन द फॉल, Thank you.
ठीक है जी, पीस ऑफ एडवाइस, पीस ऑफ एडवाइस है। अभी मैं उस चीज की बात नहीं कर रहा, अभी मैं आर्टिकल्स की बात कर रहा हूँ। सर फॉर द एडवाइस, आई थिंक दोनों तरह ठीक होगा। नहीं नहीं सर, इसके साथ द नहीं आएगा। अच्छा, अब अपने पास में कुछ एक और चीजें बताने लगा, वो अपने पास लिखे रूल्स हमने कर लिए। अब कुछ चीजें हैं जहां पर आर्टिकल जिस चीज के साथ लगते हैं, क्या चीजें हैं वो? सम प्रॉपर नाउंस। नॉन कॉन्ट्स की बात करते हैं, जिसको कॉन्ट नहीं किया जा सकता। नॉन्स कौन कौन से? नंबर वन फूड, कौन कौन से फूड्स हैं? हाँ जी, बीफ, ब्रेड, ब्रोकली, बटर, कैबेज, कैंडी, जितनी भी टाइप की मिल रहा है, मीट, मिल्क, ऑयल, पास्ता, राइस। तो वहां पर क्या होगा? हाँ जी, क्या कह रहे हैं? क्या किसने अभी कहा था? कुछ नहीं सर। नहीं नहीं बताए ना। मुझे लगा शायद जस्ट फूड्स वर्ड के साथ आप पूछ रहे हैं, तो इसलिए मैंने बताया था। इनके साथ लगेगा क्या? फूड के साथ या नॉन फूड सब्सटेंस हो, एब्स्ट्रैक्ट नॉन हो? एब्स्ट्रैक्ट नॉन कौन से होते हैं? इन सब के साथ आप आर्टिकल यूज नहीं करते, ठीक है? यस सर। एरियाज ऑफ स्टडीज, हिस्ट्री, मैथ, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, स्पोर्ट्स के साथ आपने द क्रिकेट तो नहीं कहा था, द सॉकर, द फुटबॉल नहीं कहते। लैंग्वेज ओके, प्रॉपर नाउन के साथ भी नहीं लिखते। सम प्रॉपर नाउन। आगे चले, द किसके साथ? अब द किसके साथ यूज नहीं होगा? स्ट्रीट नेम्स, पार्क, सिटीज। सॉरी सर, शोर आ रहा था, क्या कहा? मैंने कहा द किन के साथ यूज नहीं होगा? पहले द यूज जिसके साथ होगा वो, आप जितने भी लार्ज रीजन है, डेजर्ट्स है, पेंजोलाज है, उसके साथ दाल यूज कर सकते हो। चैट नहीं पड़ रहा किसी को। और समझ आ रही है कुछ? पहले ये बताएं या ऊपर से कभी। सर एक सवाल है सर। जी जी सर, यूएसए के साथ दाल क्यों लगता है सर, बाकी कुछ कंट्रीज के साथ क्यों नहीं आता? जितने भी यूनाइटेड कंट्रीज होंगे उनके साथ दाल लगेगा। यूनाइटेड कंट्रीज मैं बता रहा हूँ अभी, इनके साथ दाल लगेगा। एक मिनट रुक जाए। यूज ऑफ द, ठीक है, थोड़ा सा मैं गंदा लिख रहा हूं। यूनाइटेड कंट्रीज, लार्ज रीजन, डेजर्ट, पेंजोलास, ओशंस, सीज, गल्फ, इन सब के साथ दाल लगेगा, ठीक है? अरे जो नहला रोटी का से है। अब जिनके साथ दाल नहीं लगेगा वो लिख दे अपने पास। इसे विज़ फॉर्म में ना, कुछ घरेलू चीज़ में ना वही घास भी है।
street, park, countries, India, continent, bays, lakes, mountain, जो single mountain होंगे वो rivers sir, islands, इनके साथ दा नहीं लगेगा, जैसे मैं लिखूं जापान, जापान के साथ दा लगेगा? No. सर रिवर्स के साथ लगेगा? No sir. माउंट एवरेस्ट? No. और रिवर्स सर? सैन फ्रांसिस्को बे इसके साथ लगेगा? No sir. Oh. आ गई है समझ, दाल कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना? Yes, sir. Yes, sir. आज का ये छोटा सा टॉपिक था हमारा जो हमने यहाँ पर एंड करना है, उसके बाद हम थोड़ी सी और चीजें करने लगे हैं। और चीजें करें इस वक्त? यस सर। जी जी सर, बिस्मिल्लाह करें। एक सवाल आया, हाउ अबाउट द नीदरलैंड्स? अच्छा कौन है समझ आया? इट्स अ सिंगल कंट्री सर। ई द नीदरलैंड इज एक्चुअली देयर नेम, नॉट ओनली द नीदरलैंड, उनका द नीदरलैंड है, ठीक है, किंगडम ऑफ द नीदरलैंड उनका एक्चुअल नाम है, जो पूछ रहे हैं ना उसका ये जवाब है। ओके, समरी नोट्स मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है, ग्रुप पे। हॉलैंड के साथ क्या लगाते हैं समझ? हॉलैंड का पूरा नाम बताया मुझे ना, हॉलैंड इज द सिंगल कंट्री, we cannot use dal. Then let's move on. Exercises मैंने आपको भेज दूंगा तो वो आप लोग कर लीजिएगा। अब आगे क्या करना है आज हम लोगों ने? जो हमारा portion रह गया था वो हम cover कर ले आज? अच्छा फिर हम इनको जो मेरे अपने जीके वाले बैच वाले और पीएमएस वाले बच्चे ना, इनको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। खैर पीएमएस से रेलिवेंट तो नहीं है, हम डिटेल में पढ़ लेंगे इसको, दोबारा से मैं कराऊंगा ये टॉपिक आप लोगों को। इट वाज जस्ट शॉर्ट। इसको अगर नहीं समझ आया तो फिर मैं दोबारा करूंगा, ठीक है? कहाँ चल दिया वो?
आज हम करते हैं मोटरवेज के बारे में थोड़ी पढ़ते हैं, ठीक है। टोटल कितनी मोटरवेज है, यहाँ पर मैं पहले लिख लूं। जी पार्टिसिपेट करें, शाबाश। सर आई थिंक 7। नो 12। नाइन। सारे तुक्के लगा रहे हैं, इतना नहीं पता कि कितनी है। पाकिस्तान की ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैंने पाकिस्तान की पूछी है, अभी पाकिस्तान की पूछ रहे हैं। 9 सर। सर 16। 9 है सर। 16 वाला कौन है? 11। क्या नाम है 16 वाला? रानी। यस सर। पढ़ी है लगता है। जी सर पढ़ी थी। अच्छा जी, अभी चलो शुरू से शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर टेबल बना लूं। सही करने कौन सा लगी है? 16 मोटरवेज। सॉरी क्या करें, ये कौन सा कर रही है? बच्चे अभी ज्योग्राफी चल रही है ना हमारे पाकिस्तान की, जो हमने लास्ट छोड़ी थी, वन लाइनर ज्योग्राफी। सर ये ना ऐसे किसी ट्रिक से करवाएं कि दोबारा भूले ना, ये बार बार भूल जाती है कि M1 कहाँ से कहाँ तक जाती है, M2 कहाँ से कहाँ तक जाती है। ठीक है, पहले हम नाम लिख लें फिर उसके बाद बताऊंगा कि कैसे याद करनी है। ओके ओके सर। पहली कौन सी है? M1। सबसे पहले बनी थी। M1 किसको किससे मिलाती है सर? इंडिया को पाकिस्तान से। वाह वाह वाह, दिल तो कर रहा है। M1 जो टैग करती है लाहौर टू इस्लामाबाद, पेशावर, पेशावर टू इस्लामाबाद। जी सर, पेशावर से इस्लामाबाद। इस्लामाबाद और रावलपिंडी भी कह सकते हो, अगर कोई क्वेश्चन है इस्लामाबाद रावलपिंडी दे दे तो क्या करोगे? इसकी 155 किलोमीटर क्या है लंबाई है, लेंथ इसकी 155 किलोमीटर है, और इसकी लेंथ, लेंथ को छोड़ दो चलो, आगे दूसरी कौन सी है? M2। M2 किसको किसको मिलाती है? सर पहली पेशावर से इस्लामाबाद टू लाहौर, लाहौर टू इस्लामाबाद। ठीक है, इस्लामाबाद टू लाहौर कह सकते हैं या नहीं? एक ही है, मतलब दोबारा वापस भी तो आएगी ना वो। जी सर, सर मतलब इस तरीके से याद किया ना कि पेशावर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से लाहौर। एक मिनट, इसमें एक और चीज भी हम ऐड कर लेते हैं। ये कब बनी M1 कब बनी थी? 2007 में। और M2 की क्या है? M2 की क्या लंबाई है? लाहौर। और ये बनाई थी 1997 में। किसने बनाई, किसने बनाई? बड़ा रोला डाला जाता है इसका। मुशर्रफ ने, कैदे मोहतरम। मुशर्रफ तो 2000 के दौर में आया। कैदे मोहतरम, कैदे मोहतरम मुस्लिम लीग, नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जिस
जिस कारनामे पे M2 तो हमेशा याद रखना, इस कारनामे को बहुत ज्यादा पिटते हैं, वो हमने मोटरवे बनाई थी, पहली मोटरवे हमने दी, ये क्या वो क्या, हमने अपना पेट काट के मोटरवे बनाई, ठीक है। M2 सर ये देखें, एक जो है वो M1 जो है वो 2007 में आई है और M2 जो है वो 1997 में आई है, ये कैसे हो सकता है? उनके नाम अलग अलग है ना, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, M1 किस में आई है, M2 किस में आई है। सर आपने कहा है ना कि M1 जो है वो सबसे पहले यही वाली बनी है। मैंने कब कहा है? मैंने ऐसा सर आपने कहा है सबसे पहले, जी जी सबसे पहले M2 बनी है, मैंने ऐसा कोई बात स्टेटमेंट नहीं दी। रिकॉर्डिंग है, दोबारा सुन लेना। सर वैसे एक बात है, ये M2 जो है वो 1997 में बनी थी, तो फिर इसका नाम उन्होंने M1 क्यों नहीं रखा? वो इसलिए कि M1 का जो प्रपोजल होगा वो पहले गया होगा लेकिन कंस्ट्रक्शन नहीं हुई होगी, ठीक है जी सर। जी ठीक है सर, तो यही कंफ्यूजन थी बस। M1 का प्रपोजल पहले गया होगा डेफिनेटली, मोटरवे 1, मोटरवे 2, मोटरवे 3, या इसको इस लिहाज से भी कंसीडर कर सकते हैं, जो मुझे दो रीजन समझ आते हैं कि जो रूट्स के हिसाब से इनको इनके नाम की टैगिंग दी गई होगी। गेटिंग में पॉइंट? यस सर। जी सर। लॉ टू अब्दुल हकीम, कितने किलोमीटर है? सही पिंडी भटिया से फैसला पानी नहीं, M3 लॉट अब्दुल हकीम में 230 किलोमीटर 2019 में बनी। ओके सर। M4 ये वाली है, M4 जिसकी पिंडी वाली आप कह रही थी ना, पिंडी भाटिया वाली, जी सर। और मुल्तान को भी जोड़ती है ये। क्या है इसकी लेंथ पिंडी भाटिया वाली की? 309 सर। गूगल देख रहे हो? सर एक दो याद है मुझे, 2019 में। ये भी M3 और M4 दोनों 19 में बनी, ठीक है। यस सर। M5 का भाई मुल्तान टू सखर है ये, सर। सखर के बाद फिर हम धक्के खाते आते हैं हाईवे पे, ये हैदराबाद आ गए। हाँ जो हमारा भाई वे है, ये भी 2019 में आई थी। 2019 में वैसे किसकी गवर्नमेंट थी? सर इमरान खान की। इमरान की सर, इमरान खान सर। मतलब सबसे ज्यादा मोटरवे फिर इमरान खान ने बनवाई? नहीं सर, डैम किसने बनवाया? इनॉग्रेशन सर, इनकी कंस्ट्रक्शन वहां तब कंप्लीट हुई है, उसने नहीं बनाई। मतलब पिछली गवर्नमेंट देखी गई थी, नवाज उन्होंने दिया था माल, मिस्त्री मजदूरों ने बनाई, सारे इनकी क्या होगा। हमारी बेचारी कौम की खून पसीने की। 2024 में अंडर कंस्ट्रक्शन है। ओके अभी ये बन रही है, अभी मैं सबकी डिटेल बताता हूँ, पहले मैं सर को लिस्ट कर लूँ। यस यहाँ पे तो कुछ कह रहा है अंडर कंस्ट्रक्शन। एक तो बच्चे जो लकीर के फकीर है ना, मुझे वो बड़ा अच्छे लगते हैं सर। जी सर वो अच्छे लगते हैं, कॉमन सेंस नाम की भी कोई चीज होती है। चले M7 कहाँ से कहाँ तक है सर? सर ये है दादू से हब तक। दादू से हब, इसके दादू की। देखिए M7 को याद करने का तरीका ये है कि 70 साल की उम्र में दादा बन जाते तो दादू से हब तक, ठीक है। यस जी सर। क्या सर समझ नहीं आई? बताइएगा
नहीं पैसे लगते हैं दोबारा बताने के सर, ले लिया सर, कोई मसला नहीं, पता बनते हैं इसके 270 और ज्यादा। देखिए M7 से 70 बन गया ना, 7 को 70 याद रखना, 70 की उम्र में लोग दादा बन जाते हैं, तो दादू से हम। सर इसकी लेंथ भी याद आ जाएगी, 270 है ना, तो आखिरी वाला 70 में दादा बने, और दो में हब ये नहीं, उसका दो तरह पोतरा जो भी होता है तो वो याद रहता है। M8 तो डेरो तो सर M7 कौन सा ये सर टेट्रो रत्तो डेरो से गवाद तो डेरो कहाँ पर है वैसे? सही है सिंध वाली साइड पे, सिंध में आ, सिंध में सर, तभी इसका नाम रत्तो डेरो। M10 कहाँ पर है? रत्तो डेरो है ना, ये तकरीबन बलूचिस्तान के बराबर में ही सिंध के एंड पे। सर M9 हैदराबाद से कहाँ पे जा रही है? कराची। अच्छा उसके बाद M10 कौन सी है? M10 कहाँ जाती है? कराची टू नॉर्थन बाईपास। नॉर्थन बाईपास और 57 किलोमीटर। नॉर्थन बाईपास कहाँ पर है? 2007 में बनाई गई थी। और M11 कौन सी है? लाहौर केरान सर। एक 103 किलोमीटर और 2020 में। ठीक है ये देखिए बड़ी अच्छी बनी है, साफ है। यार कोट तुफारिया सर ये तकरीबन 150 किलोमीटर है। कौन सी सर? ये M11। ये 2024 का मतलब अभी बनी नहीं है। M12 M13 ये सारी अंडर प्लान है। कारिया टू रावलपिंडी 117 और ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। M14 आइए इस्लामाबाद टू डीआई खान अकला। और ये बन गई है M15 कौन सी है? हसन अब्दाल में और क्या है, कोई बताएगा? हसन अब्दाल में से क्या पूछ रहे हैं? हसन अब्दाल में क्या क्या चीज मशहूर है हसन अब्दाल में? क्या कोई बुजुर्ग है सर? शायद नहीं, क्या कोई कोई मिलिट्री एकेडमी है? मिलिट्री एकेडमी कहाँ पे है? कुकुल में या हसन अब्दाल में? स्कूल है यहाँ पे, मिलिट्री स्कूल है काबुल में, मिलिट्री एकेडमी। सर हसन अब्दाल से था कोट पीएम है, वो काकुल है, पीएम है काकुल जी। सारे अब हमने क्या क्या लिया? अब आते हैं इनको याद करें, ठीक है? याद कैसे रखनी है? लिख रहे हैं सर M15 दो हैं, नहीं M16 है, आखिरी वाली 16 है। अच्छा ओके सर। अब ये बताएं आपने ये सारे फिगर जो है ना एग्जैक्ट
अभी हमारे सामने लिखे हैं जुबानी, हम तो गूगल करते हैं फिर भी याद नहीं रहता। सर अब ये बताएं कि आपने इनको कैसे याद किया है? एक मिनट, अभी हम पहले लिख लो सारे, फिर इसको हम याद करते हैं। सर स्क्रीनशॉट लें। लो जी, पर याद कैसे होगा? लिख रहे हैं जी सर, लिख लिया, थैंक यू। तो फिर आगे चले, लिख लिया तो क्या फायदा याद करने का? जी सर। नहीं सर। अच्छा M1, M1 को कैसे याद रखोगे? लेंथ को छोड़ दो, लेंथ तो कभी याद नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है? सर अभी आपने भी तो जुबानी लिखी है ना, आपको कैसे याद हुई है? कौन है ये पूछने वाला, कौन है पहले? रानी है सर, मैं पूछ रही हूँ। अच्छा M1 नंबर 1 सिटी इज हमारा इस्लामाबाद। अब वो किस इस्लामाबाद किससे जुड़ रहा है? पिशावर। ये याद रखना, कोई भी मोटरवे पिशावर से नहीं जुड़ती सिवाय M1 के, याद रहेगा? जी सर। नंबर 1 जोड़ता है सबसे ज्यादा करीबी वाली को पिशावर को, ठीक है? यस। याद रहे कैसे? देन नंबर 1 जोड़ रहा है किसको? नंबर 2 को। लाहौर दूसरा बड़ा शहर है ना? जी। याद रहेगा? और ये इसका नून लिख भी दावा करती है हमारा, ये है इस ट्रिक याद रखने के, याद रहेगी? जी। देन अब इसकी बनाते हैं M3 की। M3 कैसे याद रहेगी? वैसे M3 इज नॉट इम्पोर्टेंट। अच्छा एक पहले एक और बात, कि सबसे बड़ी बड़ी मोटर वे कौन सी है इसमें और छोटी कौन सी? सही यही वाली है, रात तो दे रो। M8। तो पहले आप हाईलाइट कर लें अपने पास। ये वाली सबसे लार्जेस्ट है, और सबसे छोटी कौन सी? M10। ये सियालकोट वाली, सियालकोट खारियां वाली नहीं, कराची नॉर्दर्न बाईपास। M10 सर। नॉर्दर्न बाईपास कौन सा? कराची के पास ही है नॉर्दर्न बाईपास, तो उसको मिला रही है आपस में, तो छोटी सी। So, ये सिटी है या एक एरिया का? नहीं नहीं, बाईपास है, एरिया का नाम है। अच्छा बाईपास से स्टार्ट, ठीक है। अब थर्ड को कैसे याद रखें? हाँ जी सर, अकीम के होता है ना, अच्छा डॉक्टर फिर आता है नॉर्मल डॉक्टर, फिर अकीम आता है, तो तीसरे नंबर पे लिखा है। वैसे एक ट्रिक तो ये है जो मिस्मा ने बताई है, M3 हकीम, हकीम से याद रख लेना। तीसरा डॉक्टर M3 मेडिकल की टर्मिनोलॉजी है ना? यस सर। जो मैंने अपने लिए याद की थी वो 3 से यतीम, यतीम से अब्दुल हकीम। मैंने ऐसे याद किया था, ठीक है? यस सर जी। अब दोनों जैसे याद रहे अपने पास लिख लो ट्रिक।
अब चौथी वाली बात करते हैं, देन लाहौर चौथा बड़ा शहर कौन है हमारा? मुल्तान। नंबर फोर, नंबर फोर को जोड़ रहा है, नंबर फोर किसको जोड़ रहा है? नंबर वन को। ये नंबर वन में कंसीडर होंगे ना रावलपिंडी और इस्लामाबाद, ठीक है? आपने रावलपिंडी कंसीडर करना है, चौथा मुल्तान, याद रहेगा। पिंडी भटियां तो ये शेखोपुरा के पास नहीं है, इधर वाली साइड पे है ना? पिंडी तो है ना, पहले पिंडी आ रहा है। एक तो शोर आ रहा है आपका माइक हैंड फ्री, पता नहीं कहां से लेके आएंगे आप। सर किसका? मेरा शोर नहीं है, पता नहीं कौन बोलता है। अब चौथा किसको जोड़ रहा है? पहले वालों को, किसी का माइक एक का इशू। ये बीच में भी कोई बोलता है, ये मिस बाय पकड़ी गई है, यही बंदी है सर मेरी है। मैंने तब से मेरा नाम लग रहा है बार बार। तुम दोनों साथ पिछली क्लास में आपने मुझे म्यूट कर दिया था। सर मैंने नई एंट्री मंगवाई है, मेरी एंट्री खराब नहीं है, मुझे इसलिए पता है। असल में कोई हैंड फ्री ऐसे होते हैं जो मोबाइल से कंपैटिबल नहीं होती, वो फिर शोर करती है। मेरे तो सर में दर्द हो जाता है इस चीज़ कर सुन के, और मैं हेडफोन लगा के बैठा तो उसमें आवाज थोड़ा सा बोलोगे बिल्कुल क्लियर आवाज आती है मेरे कान में जी सर। और मेरे हेडफोन वो है जो गेमिंग हेडफोन है, जिसमें आपको तो डबल आती होगी वो। असल में मतलब जब आप गेम में आप फुटस्टेप सुनते हो ना, फुटस्टेप की साउंड, वहां पर गेम में अंदाजा लगाना था किस डायरेक्शन से पर्सन आ रहा है, तो फुटस्टेप्स होते हैं, तो उस वजह से। अब कोई चेर चेर होते हैं वो तो मेरे डायरेक्ट दिमाग में हिट करती है। सर ये पिंडी पिंडी भटिया के बजाय पिंडी गेप नहीं आएगा? वो है रावल पिंडी वाली साइड पे, पिंडी भटिया तो इधर इधर शेखुपुरा वाली साइड। पिंडी से पहले जुड़ती है भाटिया को, भटिया को, फिर भटिया से मुल्तान को जोड़ रही है, ठीक है? यू चल रही है ये। सर पिंडी भटिया एक ही शहर नहीं है? नहीं एक शहर नहीं है, पिंडी भटिया दो है ये। पहले सर रावल पिंडी लिख दे सर, कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगी। यस सर, रावल पिंडी को भटिया से मिला रही है, ठीक है? पिंडी भटिया रावल पिंडी वाली है, मतलब नंबर वन मिला रहा है नंबर फोर को, ये याद रख ले सिंपल। और भाटिया, भाटिया की सिर्फ एक ही मिला रही है, ये भी याद रख लेंगे, वो है एम फोर, याद रहेगा। सर ये समझ नहीं आ रही कि ये पिंडी भटिया जो है ये गूगल कर ले, नहीं बताऊंगा खुद गूगल। समझ रहे हैं, वहां मेरी फूफो रहती हैं, वो भी है पिंडी तहसील है ना ये। सर आप क्लियर पिंडी की जगह रावलपिंडी ही लिख देता, भी कंफ्यूजन दूर। शेखोपुरा वाली साइड पे नहीं है ये? अरे क्यों है पिंडी भटिया? बस सही है, हफ्साबाद वाले लोग कहां हैं? हफ्साबाद वाले कौन से लोग हैं? हफ्साबाद वाले लोग कहां हैं? नहीं सो गए हफ्साबाद वाले, चली गई वो लड़की एक थी हमारे पास, तहसील है हफ्साबाद की पिंडी भटिया, ठीक है? जी सर, जी जी जी, हफ्साबाद की तहसील है जी। अब नंबर फोर ने किसको मिलाया? और एक ये यूनिक ही भी है कि भाटिया या पिंडी भाटिया जो शहर है, जो एक ऑकवर्ड सा शहर है, वो सिर्फ एक ही है जिसको एम फोर जोड़ रही है, ठीक है? जी सर, याद रहेगा, कुछ याद हुआ पहले तो। अब नंबर चार और नंबर पांच आपस में जोड़ रहे हैं। नंबर पांच किसका? सिंध का नंबर पांच है और पंजाब का नंबर चार है, कैसे? सखर, सखर पांचवे पे आता है ना, बस सिंध के सिटीज में से, कराची, हैदराबाद, लड़काना, फिर टंडो आदम या सखर आता है इस तरह के, ठीक है? चार पांच को मिला रहा है, याद रहेगा जी जी। आ रही है कुछ समझ की? जा रही है सर, आ रही है। अब मुझे तो सिर्फ गवादर वाली एक ही मिली थी और सबसे बढ़िया एम एट, इसको वैसे ही याद रख लेता हूँ मैं। गवादर और रतोडेर वाली एक ये यूनिक है और एक बड़ी है, नाम भी यूनिक से।
लार्जेस्ट है, M8 है, तो इस वजह से मैं इसको रत्तो डेरो, इसको 8 का भी इसमें साउंड आता है, तो इस वजह से मैं इसको याद रख लेता हूँ, मुझे इस तरह से याद है थोड़ी। M9 की बात, सर ये दादू वाली, सर दादू वाली किससे मिल रही है? HUV कौन सी दादू वाली? सर ये दादू वाली किससे मिल रही है? M7। यस सर। हाँ ये मैंने बताया था, 70 200, नहीं सर, मिल किससे रही है सर? HUV से क्या है सर? हब ये हब है ना बलोचिस्तान का, वो डिस्ट्रिक्ट है। ओके थैंक यू। ये मैं बता चुका हूँ इसको, इसलिए मैंने स्किप कर दिया। सर ये हब डिवीजन है या डिस्ट्रिक्ट है? अब डिस्ट्रिक्ट बना है ना अभी सर? जी सर, ये सिटीज के नेम जो है, मसलन अगर M1 है तो हम कह रहे हैं पेशावर को इस्लामाबाद से जोड़ती है। हाँ, नंबर वन ने इस्लामाबाद को पेशावर से जोड़ती, तो बात तो वही होगी ना, कल तो नहीं होगा, तो जाएगी वो आएगी, ठीक होगा ना? मतलब ये भी स्टेटमेंट गलत तो नहीं ना होगा? सही है, लेकिन वो ऑफिशियली जो है, मतलब जो निकाली गई, तो पहले जाने वाली रोड बनाई जाती है ना, फिर आने वाली बनाई जाती है। ओके जी जी जी, चले M9 की बात करें तो M9 हैदराबाद कराची है, 9 से क्या बनता था? सो ये वैसे ही याद रहेगा M9 जो है। स्किप कर देता हूँ, एक मिनट रुकिएगा, मेरी एक कॉल आ रही। बाकी याद कर लोगे? हाँ जी, कुछ मैंने आपने इंशाल्लाह सर, ये वाली इम्पोर्टेंट नहीं है ज्यादा, 15-16 भले छोड़ दो, इतनी ज्यादा नहीं पूछी जाती है 15-16, और इसमें इनमें से भी एक का इम्पोर्टेंट है, ज्यादा नहीं है, ज्यादा इम्पोर्टेंट ये वाली है, यहाँ तक M10 तक। ओके यस सर, जी सर, चले मैं यहीं पे क्लास को एंड कर रहा हूँ। जी सर ठीक है, क्योंकि मुझे अभी डिनर भी करना है, मुझे बार बार बुलाया जा रहा है डिनर के लिए। जी ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। सुबह मिलते हैं फिर इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह।